सत श्री अकाल दोस्तों, साडा टीवी यूएसए देख रहे दर्शकों का स्वागत है साडे चैनल ते। ते मैं हाजिर हाँ तुहाडे लई लैके अहम खबरां दा विशेष बुलेटिन। पछमी बंगाल च बोले जेपी नड्डा, कोरोना दे चलदे सीएए च हुई देरी, छेती लागू होवेगा कानून। भारतीय जनता पार्टी दे राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा ने सोमवार नूं सिलीगुड़ी च रैली नूं संबोधित करदे हुए कहा कि कोरोना महामारी कारण नागरिकता सोध कानून लागू करन च देरी हुई। उन्होंने दावा किया कि कानून छेती ही लागू किया जाएगा। इस तो इलावा उन्होंने पछमी बंगाल के सत्ताधारी टीएमसी सरकार से निशाना विन्या। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति विकास लई है, ममता सरकार फुट पाऊ और राज करो के विचार से काम कर रही है। नड्डा ने कहा कि 10 करोड़ किसानों लिए पीएम किसान सम्मान निधि का प्रबंध किया गया, पर ममता सरकार ने बंगाल इस लागू नहीं होने दिता। कमलनाथ के आइटम वाले बयान से चोण कमीशन ने मंगी डिटेल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सबका मुख्यमंत्री कमलनाथ वालों सूबे की जनाना और बाल विकास मंत्री इमरती देवी के दिते विवादित बयान से बवाल मच गया है। इस दौरान चोण कमीशन ने मध्य प्रदेश के सबका सीएम कमलनाथ के आइटम वाले बयान से सूबे के मुख्य चोण अधिकारी तो रिपोर्ट मंगी है। उत्थे ही दूजे पास राष्ट्रीय महिला कमीशन ने भी अपनी नाराजगी स्पष्ट की, नाल ही उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण भी मंगया है। राहुल ने शेयर किया 10 देशों का अंकड़ा, कोरोना को लेकर पीएम मोदी से विन्या निशाना। कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी ने एशिया के कई देशों के मुकाबले भारत की GDP वाधा दर से ज़्यादा गिरावट के अनुमान और प्रति 10 लाख आबादी से कोरोना वायरस न होने वाली मौत न जुड़े अंकड़ों को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार से असिधे तौर पर निशाना विन्या। उन्होंने IMF और कुछ होर स्रोतों का हवाला देंदे हुए ट्विटर से कुछ अंकड़े साझे करते हुए कहा, आर्थिक स्थिति को किवें पूरी तरह नष्ट किया गया, तेजी नाल इन्ने ज़्यादा लोग पीड़ित हो गए। कांग्रेस नेता ने जो अंकड़े साझे किए उन्होंने मुताबक मौजूदा वित्त साल भारत की GDP वाधा दर 10.5% रहने का अंदाजा है, जो इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, अफगानिस्तान से कुछ होर एशियाई देशों की तुलना ज़्यादा वड्डी गिरावट होगी। 15 साल बच्ची नूं इंसाफ दवाउण लई कैप्टन खुद अगे आए। अमृतसर के नवां पिंड की बच्ची नाल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फोन पर गल की है। दरअसल कुछ दिन पहला अमृतसर के नवां पिंड वासी विक्रमजीत सिंह ने महिला सब इंस्पैक्टर तो दुखी होकर एक होटल के कमरे से खुदकुशी कर ली सी। पति की मौत का सदमा ना सहारते हुए पत्नी ने भी खुदकुशी कर ली सी। विक्रमजीत ने खुदकुशी करन तो पहला सुसाइड नोट भी लिखा सी। उसने सुसाइड नोट दावा किया कि सब इंस्पैक्टर संदीप कौर वालों तंग परेशान किया जा रहा है, तो संदीप कौर ने ब्लैकमेल कर उस कोलों 18 लाख रुपए भी लए हैं। हुण अपने माता पिता की मौत तो बाद महिला सब इंस्पैक्टर को सज़ा दवाने के लिए 10वीं जमात की बच्ची ने मुख्यमंत्री नाल फोन पर गलबात की है। तो दोस्तों, ये सन दिन भर दियाँ कुछ कुछ अहम खबर। हर रोज़ अहम खबरों का विशेष बुलेटिन लैके हाजिर होंगे रहेंगे। तुसीं जुड़े रहो साडे चैनल नाल। तद तक लई सत श्री अकाल।